ये मान के चलें कि आपने चुनाव तो शुरू कर ही दिया है। कि शुरुआत करने की बात तो है नहीं, मेरा तो 365 दिन ही चुनावी मोड में, जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनावी मोड में रहे, मुझे सेवा करना है। कितने आश्वस्त हैं? अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुझे दूसरी बार पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। किस तरह से पीछे के दरवाजे से 40-40, 50-50 करोड़ रुपये का प्रलोभन देकर सरकार बनाई, खुला मैदान है, महाकाल की कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, समय तय करेगा क्या स्थिति होगी। ताराचंद गोयल आपके सामने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जनता जनार्दन, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता उनके पास जाते थे, उनका कैसा सहयोग मिला, अब रिपोर्ट कार्ड तराना की जनता के हाथ में। स्थिति क्या है, कांग्रेस कितनी सीट लेके आएगी, जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, क्या सोचते हैं आप? 2023 में भगवान महाकाल और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कि मामा को अब बहनों की याद क्यों आई, जब मामा के 15 साल तक मामा सत्ता में नहीं थे। आप अपने लोगों की सेवा कर रहे थे, पर बीजेपी तो कह रही थी कि आप राजनीति कर रहे थे। कि ये राजनीति है, हाहाकार मचा हुआ था, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था साहब, कौन सी दुनिया में है ये? तो हम उस समय जेल, हम 4 दिन से जेल में रहे, ये राजनीति है क्या? कौन आदमी राजनीति में जेल जाना चाहता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर इंडिया। आज मैं तराना विधानसभा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं तराना के विधायक महेश परमार। महेश परमार काफ़ी चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश का और उन्हें कमलनाथ का हनुमान भी माना जाता है और सबसे विश्वास पात्र आदमी के तौर पर उनको जाना जाता है। आज मैं उनसे उनकी तराना विधानसभा को लेकर के और प्रदेश की जो राजनीति है उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें करने वाला हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और महेश जी, बहुत स्वागत आपका सत्य। नमस्कार, जय श्री महाकाल, धन्यवाद आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। वैसे तो आप बड़े बिजी रहते हैं, मैं काफ़ी इंतज़ार आपका करना पड़ा, 2 दिन से कर रहा था। ये मान के चलें कि आपने चुनाव तो शुरू कर ही दिया है। मैं तो लगातार पिछले 2004-05 से, जब पहली बार जिला परिषद का है सदस्य बना तराना विधानसभा क्षेत्र में, जनता जनार्दन और हमारे आशीर्वाददाताओं का आशीर्वाद मिला, जब से निरंतर उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में, उनके बीच में रहता हूँ। तो चुनाव की शुरुआत करने की बात तो है नहीं, मेरा तो 365 दिन ही चुनाव रहता है। मैं तो मतलब मुझे सेवा करना है उनकी, तो निरंतर उनके बीच में रहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उनकी जो जन समस्या उसके निराकरण करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। मतलब चुनावी मोड में तो रहते हैं आप? चुनावी मोड में, जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनावी मोड में रहे, मुझे सेवा करना है, तो निश्चित रूप से मुझे तो निरंतर 24 घंटे में से 17-18 घंटे 16 घंटे निरंतर विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनकी समस्या को निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो निश्चित रूप से चुनावी साल है और मुझे तो, मैं विधायक हूँ, आशीर्वाद मिला सबका, तो चुनाव तो लड़ना ही है। पार्टी का जो आदेश हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो निश्चित रूप से मैं रोज निरंतर संपर्क में रहता हूँ, उनके सानिध्य में रहता हूँ, उनका आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता है। वैसे तो आपकी टिकट को लेकर के ज़्यादा साइफ बट नहीं है, क्योंकि लोग मानते भी हैं लोग कि आपकी टिकट तो फाइनल है, फिर भी कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से 2018 से लेकर 2023 चल रहा है, तो निरंतर जनता के बीच में पार्टी के हर आदेश का पालन किया, जनता जनार्दन का आदेश माना, मातृशक्ति का आदेश माना और निरंतर सेवा कार्य किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और जो हमारी मातृ संस्था, हमारी पार्टी है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुझे दूसरी बार पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। चुनाव आपने पहले लड़ा भी, जीत भी गए, उस टाइम में आपके बहुत सारे साथियों ने भी चुनाव लड़ा था जी, जीत के भी आए थे जी, पर बीच में ऑपरेशन लोटस चला और बहुत सारे साथी आपकी पार्टी को छोड़ करके चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाद में चुनाव लड़ा, आपकी कमलनाथ जो सरकार आई थी वो सरकार गिर गई। ये हुआ क्या था? क्योंकि मैं देख रहा था, जब सर्च कर रहा था आपके बारे में, उसमें मुझे पता चला कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए थे जी। हालांकि एमपी में किसी भी दूसरे विधायक ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए कि ऑपरेशन लोटस चला, लालच दिए गए, वो सारा मामला था क्या? निश्चित रूप से 15 साल का 2003 से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन था और पूरा मध्य प्रदेश जंगल राज के रूप में परिवर्तित हो चुका था। 2018 में चुनाव है, लोकप्रिय नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो जनहितैषी निर्णय लिए, वो किसानों की ऋण माफी की बात हो, किसानों की अन्य समस्या, बिजली के बिल की बात हो, कृषि की या अन्य जो किसान हितैषी काम हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, हमारे के बुजुर्ग माता पिता के सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, स्वच्छ पेयजल की बात हो,
हर क्षेत्र में कमलनाथ जी 15 महीने में मध्य प्रदेश जो 15 साल में जंगल राज के रूप में जो हमारी पहचान थी, भ्रष्टाचार के रूप में, मातृशक्ति के ऊपर अत्याचार अन्याय की बात हो, युवाओं के साथ व्यापम घोटाला हो, यह हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। और 15 महीने में कमलनाथ जी निरंतर प्रयास कर रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता का विकास हो, मध्य प्रदेश के जो 8.5 करोड़ जो हमारे यहाँ के नागरिक बंधु हैं उनकी सेवा कैसे हो। तो कमलनाथ जी निरंतर पूरे देश में कमलनाथ जी का जो विजन था वो दिख रहा था। जो कमलनाथ जी का इतना लंबा अनुभव है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उनने जो लोकसभा में या केंद्रीय मंत्री होते हुए पूरे देश के लिए काम किया, तो वो काम जमीन पे आने लगे। तो निश्चित रूप से देश की भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हें लगा कि ये पूरे देश में कमलनाथ जी प्रभावित करेंगे। तो ऑपरेशन लोटस हो या धन बल के माध्यम से करोड़ों रुपए का ऑफर देकर, मैंने पहले भी कहा, अभी वर्तमान में भी कह रहा हूँ, वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, किस तरह से पीछे के दरवाजे से 40-40, 50-50 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर सरकार बनाई, जो लोग साथी गए, आज उनकी स्थिति क्या, उनकी टिकटें काटी गई है। तो मुझे भी प्रलोभन दिया और मैंने कहा पहले भी कि भगवान, आज भी वही बात दोहराता हूँ कि भगवान महाकाल के श्री चरणों में हम सब लोग रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की हो, आ जाए भगवान महाकाल, खुली रूप से चुनौती देता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। शिवराज जी ने सीधे बात की, निश्चित रूप से शिवराज जी ने मुझसे बात की। और हम सब लोग जिस धर्म में पैदा हुए, हम हमारे ईश्वर आराध्य प्रभु महाकाल जी को मानते हैं। तो आ जाए शिवराज जी, कब बात हुई आमने सामने, मैं तो बहुत छोटा आदमी उनके सामने तिनका हूँ, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और निश्चित रूप से ये जो सच्चाई में बता रहा हूँ, निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भुगतना, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, फिर उन लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिवराज जी, मैं सीधे रूप से, मुझसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बात की उस समय, मुझे प्रलोभन दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे, आगे भी ध्यान रखेंगे, आ जाए शिवराज जी महाकाल मंदिर में। मंत्रालय की बात हुई थी या कुछ और ऑफर भी हुआ था? निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया, मंत्रालय की बात हुई, आने वाले आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं अभी भी ये बात को दोहराता हूँ, आ जाए महाकाल मंदिर में, शिवराज जी कहें अगर बात नहीं हो तो। बाकी जो साथी गए वो भी इसी प्रकार, निश्चित रूप से क्यों जाएगा आदमी प्रलोभन देकर, किसी को ईडी का डर, किसी को झूठे आरोपों में डराकर, जिस तरह से पूरे देश का वातावरण आप देख रहे हैं, वही प्रलोभन दे दिया गया। अब मैं तो किसान का बेटा हूँ, गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ, मेरे मुझे जनता का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम जी महाकाल जी का आशीर्वाद है, तो मिस्त्री से मैं क्यों डरूं। मुझे तो खूब तराना की जनता जनार्दन ने खूब आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ पहुंचाया, आज जो भी हूँ मैं तराना के अपने माता पिता जो मेरे आशीर्वाद दाता हैं उनके कारण हूँ। मेरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत परिश्रम करके मुझे विधायक बनाया, वहाँ के हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति बहन, जब आपने उनकी बात को नहीं माना जी, तो कभी उनके द्वारा फिर डराने की, परेशान करने, कुछ इस प्रकार के प्रयास हुए? निश्चित रूप से डरेगा वो आदमी जिसके पास काला धन हो, जिसने भ्रष्टाचार किया हो। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि मैं किसान, गरीब किसान का, खेतीहर किसान का बेटा, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा। हाँ, मुझे जनता जनार्दन, मेरे मित्रों का, साथियों का, सबका, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का खूब सहयोग मिला, मेरे युवा साथियों का, मेरे मित्रों का, जिनकी मेहनत के कारण, मेरे तराना विधानसभा के ऐसे मेरे सैकड़ों मित्र हैं, जिन लोगों के सहयोग से, का पार्टी के जो मेरे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने भाई के रूप में, अपने साथी के रूप में सहयोग किया और मैं यहाँ तक पहुँचा। और आज भी उनके सबके साथियों के सहयोग से ही मैं परिश्रम कर, मतलब आपने सोचा नहीं कि दगा करना अच्छी बात नहीं रहेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से दगा, इतिहास में नाम दर्ज है जिन लोगों ने दगा किया। तो मुझे तो पार्टी के जिन सबसे पहले उन हजारों आशीर्वाद दाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे उनके मान सम्मान जो उन्होंने दिया, मुझे उनके मान सम्मान की चिंता थी। मैं आज बिक कर, आज जो लोग बिके हैं उनकी क्या स्थिति है, आज उनके टिकट काट दिए हैं, आज उनकी कोई सुनता नहीं है, तो ये स्थिति है आज जो, जिनकी कांग्रेस पार्टी में उनका खूब मान सम्मान था, 20-20, 30-30 साल से पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री स्तर तक के पद से नवाजा, आज वो खुद आकलन कर ले आज उनकी क्या स्थिति है, उनसे बातचीत होती है कभी? निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार के नाते नमस्कार होता है, बातचीत होती क्या, है क्या बताते हैं, अनुभव क्या देते हैं वो? अनुभव जनता के सामने है, निश्चित रूप से अपनी पीड़ा, अपना दुख सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ हो वहीं अच्छे हो, अपने घर में हो, अपने परिवार में हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे विधायक साथी हैं, अभी मंत्री भी हैं, वो भी अब क्योंकि विधायक होने के नाते कहीं ना कहीं पिछले वो भी बरसों से हमारे संगठन से जुड़े हुए थे, तो वो पीड़ा जाहिर करते हैं, बताते हैं कि भैया वहीं अच्छे हो, महेश जहाँ भी हो, अपने घर में हो, पछतावा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पछतावा है। निश्चित रूप से वो आज बड़ा दुख मनाते हैं इस बात का कि उस समय
प्रलोभन में या जिन लोगों ने किया तो कहीं ना कहीं उनमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव में लगभग 2 महीने बाकी हैं। जी अमूमन होता ये है कि टिकटों की जो घोषणा होती है वो होती है एन मौके पर। बीजेपी को ऐसा क्या लगा कि आपके समेत उन सीटों पर जहां पर पहले से ही कांग्रेस मजबूत है उन सीटों पर अभी से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जी, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित रूप से भगवान महाकाल और पार्टी का खूब मुझ पर आशीर्वाद है। आपने देखा कि महापौर के चुनाव में भी भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन के जनता जनार्दन ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया और कहीं ना कहीं मैं हजारों वोटों से जीता, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन ने मिलकर कलेक्टर हो, SDM हो या अन्य जो वहाँ व्यवस्थापक लोग थे उनके साथ साठ गांठ करके मुझे हराया। तो उनको लगा क्योंकि पूरे उज्जैन जिले में मेरे ऊपर भगवान महाकाल और जनता जनार्दन की बहुत कृपा आशीर्वाद है, तो उनको लगा कि दूसरी विधानसभा में जाकर मेरा ऐसा सोचना है क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे मित्रों का सहयोग है, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को खूब सहयोग, भरपूर सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं, तो उनने प्रयास किया कि पहले यहाँ टिकट करें। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, खुला मैदान है, महाकाल की कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, समय तय करेगा क्या स्थिति होगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2018 से लेकर 2023 जब चुनाव होना है, ये 5 साल का जो मेरा विधायक का कार्यकाल जनता के आशीर्वाद से जो मुझे मिला, मैंने उनकी ईमानदारी से सेवा की, तो फिर तो निर्णय जब मतपेटी में बंद होगा जब सामने आएगा। ताराचंद गोयल आपके सामने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ताराचंद गोयल जी 2003 से लेकर 2008 तक तराना विधानसभा के विधायक रहे हैं। मैं 2018 से लेकर 2023 तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब ये तो निर्णय आशीर्वाददाताओं के हाथ में है। 2003 से लेकर 2008 का जो कार्यकाल ताराचंद जी का रहा, शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार रहा, जनता जनार्दन जो हमारे बुजुर्ग माता पिता उनके पास जाते थे तो उनका कैसा सहयोग मिला, अब रिपोर्ट कार्ड तराना की जनता के हाथ में है। 2018 से लेकर 23 का मेरा रिपोर्ट कार्ड भी है, तब ये तय तो जनता को करना है, वहाँ के हमारे आशीर्वाददाताओं को करना है, हमारे माता पिता को करना है, हमारे युवा साथियों को करना है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को खेल गतिविधियों से जुड़े हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्र में जो निवास करते हैं आशीर्वाददाता, उनको निर्णय लेना है। मैंने आपसे कहा कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए गए, मैं आरोप लगाऊंगा, मेरे आरोप प्रत्यारोप करने की मेरी आदत नहीं है। मैंने आपसे सीधा सीधा 2003 से लेकर 8 का रिपोर्ट कार्ड विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों के पास है, मेरा 2018 से लेकर 23 का रिपोर्ट कार्ड, ये तो अब जो मतदाता हैं लोकतंत्र जिनके कारण है उनको तय करना और उनको निर्णय करना है कि क्या स्थिति रहेगी और रिपोर्ट कार्ड के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं। अच्छा, अब स्थिति से मुझे एक सवाल और आपसे करना है कि कांग्रेस की वैसे स्टेट में स्थिति क्या देखते हैं आप, क्योंकि आप पार्टी के उन विधायकों में से या उन नेताओं में से है जो कमलनाथ के साथ अच्छे रहते हैं और जिन पर विश्वास भी करते हैं, तो ऐसे में आप स्टेट की राजनीति को प्रभावित भी करते हैं और उसको देखते भी हैं। स्थिति क्या है, कांग्रेस कितनी सीट लेके आएगी, जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, क्या सोचते हैं आप? निश्चित रूप से मेरे ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भरपूर आशीर्वाद, आदरणीय कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों या राहुल गांधी जी पधारे थे, तो उन सबकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, विश्वास करते हैं। मैं निष्ठावान जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। 2018 में सरकार बनी, किस तरह प्रलोभन देकर मध्य प्रदेश या उज्जैन जिले की जनता या तराना के मतदाता बंधु सब लोग जानते हैं कि किस तरह से खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने सरकार गिराई। ये किसान हितैषी कमलनाथ की सरकार थी, ये गौ माता की रक्षा करने वाली, गौशाला का निर्माण करने वाली कमलनाथ सरकार थी, ये युवाओं को रोजगार देने वाली कमलनाथ सरकार थी, ये मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाने वाली कमलनाथ सरकार थी। तो निश्चित रूप से ये तय है कि 2023 में भगवान महाकाल और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। क्योंकि आप जिस किस तरह से आप देख रहे हैं, व्यापम घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, अभी पुलिस घोटाला हो, मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के बंगले पे कितने लोग आते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को जनता कितना स्वीकार कर रही है। निश्चित रूप से हम जब जाते हैं तो जो बरसों से यहाँ के हमारे छोटे व्यापारी बंधु हो, यहाँ के हमारे युवा हो या हर क्षेत्र में यहाँ के मजदूर साथी हो, कमलनाथ सरकार से उनको एक आस जगी थी, उम्मीद थी। 15 महीने में जो परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुए हैं, जो 15 साल में नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को आप कल्पना करें, अगर 100 लोगों से आप पूछेंगे तो 80 से 85-90 लोग कमलनाथ जी का समर्थन करते हैं, वो कमलनाथ जी के काम का समर्थन करते हैं, वो कमलनाथ जी की ईमानदारी का समर्थन करते हैं, वो कमलनाथ जी की छवि का समर्थन करते हैं। क्योंकि कमलनाथ जी सीटें कितनी लगता है? मुझे लगता है कि लगभग 150 सीटें मध्य प्रदेश में
कांग्रेस की आएगी, क्योंकि मुझे लगता है जहां निरंतर भगवान महाकाल कृपा से महापौर का चुनाव हुआ हो, आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जनता परिवर्तन चाहती है। शिवराज जी आनंद फानन में इन 3-4 महीने में मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, क्या 2003 से लेकर 18 तक 15 साल शिवराज जी को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा? अब इन 3.5 साल में पीछे के दरवाजे सरकार आई, क्यों आनंद फानन में झूठी घोषणाएं कर रहे हैं? पहले से ही सैकड़ों नहीं हजारों घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी की है जिनका जमीन पर धरातल पर कोई सिर्फ घोषणा करके मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं। तो अब कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी में तो जनता तो कमलनाथ जी के साथ जाएगी, क्योंकि किसान हितैषी कमलनाथ जी थे। एमपी में मैं दो मुद्दे विशेष तौर पर देख रहा हूँ, एक तो जो महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 रुपए की पेंशन या भत्ता जो शुरू किया उसका बड़ा असर उस पर दिखाई देता है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमलनाथ जी ने जैसे ही सरकार बनी पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रुपए की, 400 रुपए अतिरिक्त 3 महीने में। यहाँ की मातृशक्ति सब समझ गए हैं कि 3 महीने में बहनें क्यों याद आई? क्या पहले हमारे मध्य प्रदेश में माता बहनें निवास नहीं करती थी? क्या मातृशक्ति अब 3 महीने में मध्य प्रदेश में निवास करने आई? सभी माता बहनें हमारी यहाँ की मातृशक्ति देवी स्वरूपा है, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा है, वो सब समझती हैं। जब सबसे पहले मैं घर में उठता हूँ तो मेरी माँ या मेरी पत्नी या मेरी बहनें या मेरी बेटियाँ 5 बजे उठकर घर में भगवान की आराधना करते हैं, जो चौका चूल्हा करने के बाद जब हम सोते हैं तो सबके बाद खाना खाने के बाद सोती, तो वो जो मातृशक्ति है जिनका कारण हम हैं, हमें उनमें हमारी देवी का स्वरूप दिखता है, वो सब जानती हैं कि मामा को अब बहनों की याद क्यों आई जब मामा के 15 साल तक मामा सत्ता में नहीं थे। मामा को ये 3 महीने 2 महीने आज आप कहीं भी मातृशक्ति जाके पूछिए, सब माता बहनें समझती है कि ये चुनावी साल है, प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं ये लोग, कहीं भी माता बहनें इनकी झूठी बातों में आने वाले नहीं। दूसरा हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा है, हालांकि आप बार बार महाकाल की कृपा, परिवार के द्वारा पूजा पाठ के बाद ये सारी चीजें बोलते तो हैं, पर आपकी पार्टी इस बार यहाँ हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको कैसे डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी तो पूरा हिंदुत्व के नाम पे। हमारी पार्टी, हमारे हृदय में राम है, हमारे दिमाग में राम नहीं है, हर कांग्रेस के हृदय में राम है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश देश की सबसे हनुमान जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा में स्थापित की, क्या अभी की 20 साल पहले कमलनाथ जी ने की, 2003 से लेकर 18 तक। मैं वो बात बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि 700 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने महाकाल भगवान के क्षेत्र के लिए दिए। राम पद गमन, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में आप देख लीजिए, 15 महीने की सरकार में लगभग 2 करोड़ की राशि से मैंने मंदिर, जैसे ही सरकार बनी कमलनाथ जी से मैंने निवेदन किया, किसी मंदिर में 15 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 8 लाख, किसी में 7 लाख, धर्मस्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य मैंने विधानसभा में दिखाऊंगा जब अगली बार आप मुझे समय देंगे। तो हम जिस धर्म पैदा हुए, सबसे पहले हमारा धर्म है, सुबह उठ के ही हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, नित्य स्नान ध्यान करके मंदिर जाते हैं, भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हमारी आस्था है, हमारे हृदय में राम है। पर बीजेपी तो कहती है कि अब याद आया आपको हिंदुत्व, ये तो आप तराना विधानसभा में जाकर मेरे क्षेत्र में पूछिए, 20 साल पहले राम जी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, जब 15 साल से सत्ता में थे तो भगवान महाकाल के क्षेत्र में कितने पैसे दिए आप बताइए, ओंकारेश्वर में किसने शुरुआत की, नर्मदा मैया की किसने ध्यान दिया, उज्जैन में माँ काली सिंह छिपरा मैया, आज भी आप देख उनके मंत्री परिक्रमा करते हैं पर आचमन नहीं करते हैं, तो जब नहीं दिखा, इनका इनका चुनावी एजेंडा धर्म है और हमारे हृदय में राम है। हम राजनीतिक उपयोग के लिए भगवान राम को नहीं, हम हृदय में हमारे राम है, हम निरंतर स्मरण करते हैं भगवान प्रभु श्री राम का हृदय में। अब ये लोग सब पूरे सब लोग जानते हैं, दिखावा नहीं है आपके, बिल्कुल दिखावा नहीं, दिखावा ये लोग करते हैं, दिखावा करते हैं भैया, 4.5 साल कितने विकास कितने कार्य किए इनके तराना विधानसभा में, मुझसे सीधे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों के साथ बैठ कर मुझसे चर्चा कर लें कि महेश परमार ने तराना विधानसभा में जो जनता जनार्दन ने और जितने देवस्थान हैं आप चल के देख लीजिए कि मैंने कितना प्रयास किया, मैं क्या दे सकता हूँ, देने वाले राम कराने वाले राम, भगवान देवनारायण जी के देवस्थान हो, हनुमान जी महाराज के देवस्थान क्षेत्र हो, राम जी के देवस्थान क्षेत्र हो, प्रभु राधा कृष्ण के देवस्थान क्षेत्र हो, आप खुद चल के सर्वे कर लीजिए। मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ जी, आप किसी भी चीज का श्रेय खुद को नहीं दे रहे हैं, सब या तो जनता को दे रहे हैं या भगवान को दे रहे हैं। लेकिन मैं कुछ स्टडी कर रहा था जब आपको लेकर के, कोरोना काल का जो वक्त था उस वक्त में जब भाई भाई से दूर था, बाप बेटे से दूर था, ऐसे में आपकी कुछ तस्वीरें मैं देख रहा था कि लोगों की डेड बॉडी थी,
क्योंकि कोरोना का लेकर के इतना बड़ा हुआ था कि कोई किसी को छू भी ले तो उसको होने का डर था। ऐसे में आप उनकी डेड बॉडी लेकर के जा रहे हैं, उस टाइम पर डर नहीं लगता था आपको? निश्चित रूप से आज जो मैं भी हूँ, मैं जो हूँ, मेरे भगवान के कारण हूँ, मेरे माता पिता के कारण हूँ, मेरे दोस्त मित्रों के कारण हूँ, और सबसे बड़ा श्रेय किसके जाता है तो अगर महेश परमार आज है पहचान है तो तराना की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जो मेरे परिवार, तो निश्चित रूप से जिनके कारण मैं हूँ, जो मेरी पहचान है, उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा भीषण संकट था, पूरे विश्व की महामारी थी। मुझे लगा कि जिनके कारण आज मैं हूँ, जो मुझे जिसने पहचान दी, जिनने मुझे आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, तो उन लोगों के साथ खड़ा रहना मुझे लगा कि उस समय कोई नहीं आ रहा। परिवार के लोग नहीं रोकते थे? निश्चित रूप से परिवार के लोगों को डर लगता था, बोलते थे, लेकिन जब लगा मेरी माँ है, तीन मेरी बेटियां, तीन बहन है, और मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, पूरा उज्जैन, पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, मेरे मित्रों ने जो मेरा सहयोग किया, और मुझे लगा उस समय भीषण संकट में मैंने कहीं अपने करीबियों को उस समय खोया है, अपने साथियों को खोया है, तो निश्चित रूप से जब लगा कि जब मैंने ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया या मैंने कोई बड़ा, लेकिन उनके साथ खड़ा रहा, एक संबल मिलता है जब उनके साथ खड़ा रहा, तो मुझे आत्मीय अनुभूति हुई कि लगा कि मेरे परिवार के लाख सात लोग, जब आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब ये बात कहना नहीं चाहिए, लगता था, लेकिन ईश्वर ने शक्ति दी और मैंने ऐसा कोई बड़ा परोपकार का सब ईश्वर ही करा था। आप तो कह रहे हैं कि आप अपने लोगों की सेवा कर रहे थे, पर बीजेपी तो कह रही थी कि आप राजनीति कर रहे थे, इसी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा, वो क्या था? नहीं, राजनीति अगर उनको भी राजनीति करने से किसने मना किया, ये राजनीति है किसी के साथ, अब जब भीषण संकट है जिसकी जान सांस ऊपर नीचे हो रही है, जो अपने परिजनों से मिल नहीं पा रहा है, क्या उस समय उनके साथ खड़े रहना राजनीति है? तो ये राजनीति मुझे स्वीकार है, ऐसी राजनीति बारंबार करूंगा मैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि मुझे इस विषय में जाना नहीं है, लेकिन उस संकट के समय आप कल्पना कीजिए कि भाई भाई से नहीं मिल पा रहा है, मैंने उस समय कोई, मैंने फिर कह रहा हूँ कि बड़ा तीर नहीं मार दिया, हाँ, लेकिन मैंने जब ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, मुझे भगवान ने शक्ति दी, सब साथियों के साथ मिलकर, उस समय मेरे कांग्रेस पार्टी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब उस भीषण संकट में हमारे परिवारजनों के विधानसभा क्षेत्र या उज्जैन जिले से कहीं फोन आते थे तो निश्चित रूप से 24 घंटे फोन उठा के साथ खड़े रहने का प्रयास किया, तो उनको संबल मिलता था, उनको ऊर्जा मिलती थी, और उस समय ईश्वर की कृपा हुई। जब वो पहले दौर में जब हम जेल गए तो एक गूंगी बहरी सरकार, अगर ये समय पे उनको बेड उपलब्ध कराते, समय पे दवाइयाँ उपलब्ध कराते, इनके हेल्पलाइन लाइन नंबर चालू होते, इनके हॉस्पिटलों में बेड मिलते, कोई सुनने वाला नहीं था, साहब हाहाकार मचा हुआ था, कौन घर से निकला बाहर, आप मुझे बताइए, ये नेतागिरी है क्या? नेतागिरी तो जब राहुल गांधी जी आए हम, तो ये नेतागिरी कह सकते हैं कि हमने राहुल गांधी जी का आओ स्वागत किया? नेतागिरी भारतीय जनता पार्टी और हम में यही अंतर है कि हम दिल से काम करते हैं, ये दिमाग से काम करते हैं। निश्चित रूप से जब हम भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर हमारे साथियों के साथ, अलोट विधायक मनोज चावला जी हो, हमारे साथी अजीत सिंह हो, वीरेंद्र सिंह हो, निजाम काजी हो, रणछोड़ त्रिवेदी हो, और हमारे सैकड़ों साथी, उस हम पद यात्रा करके मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाना चाहते थे, हाहाकार मचा हुआ था, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था, साहब कौन सी दुनिया में है ये, आप जनता से जाके पूछिए। तो उस समय हमने प्रयास किया कि पद यात्रा के माध्यम से इनको जगाएं, तो हमें जेल में डाल दिया। कोरोना ये राजनीति है, जब भीषण संकट चल रहा था, जब भाई भाई से मिल नहीं रहा था, तो हम उस समय जेल, हम 4 दिन जेल में रहे, ये राजनीति है क्या? कौन आदमी राजनीति में जेल जाना चाहता है? हमें मजा आ रहा है जेल जाने में? हम तो यही प्रयास कर रहे थे कि सरकार जागे, कुंभकर्णी नींद जो सो रही थी सरकार, जो लूटपाट मचा रहे थे शासन प्रशासन के सत्ता में बैठे लोग, और जो इनके दलाल लोग, इनने 33,000 रुपये में बेड बेच दिए हैं साहब, 33,000 रुपये बेड बेचे उज्जैन में, बेचे सरकारी हॉस्पिटल, बिल्कुल सरकारी, 25-25,000 जब जान जा रही थी, सांस ऊपर नीचे हो रही थी, तो जब आदमी क्या करता, तो इन्होंने 33,000 रुपये में बेड बेचे इन लोगों ने, ये नेतागिरी तो ये लोग कर रहे थे, हम तो साथ खड़े थे, हम तो कंधे से कंधा मिलाकर, जनता का आशीर्वाद था, प्रयास किया, इनको किस लोग, किनने मना किया इनको हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहने में, किसने मना किया? जब 5 लोग कंधा देने वाले नहीं थे, इन लोगों ने इनको मना किया, इनको आना था, जब इनके ही, वो भी हमारे परिवार, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने ना इसमें कांग्रेस भाजपा देखकर, सब साथ में खड़ा नहीं रहा, मैंने प्रयास किया कि जिनके आशीर्वाद से मैं हूँ उनके साथ खड़ा रहूँ, हमारे सब साथी मिलकर खड़े रहे, दुख बांटने का काम किया। अब आगे बढ़ते हैं और तराना विधानसभा पे वापस आते हैं, कुछ ऐसे काम हैं अगर आपको फिर से मौका मिलता है जी, तो आपको लगता है कि ये काम हो जाने चाहिए, कुछ ऐसी लिस्ट आपके पास है? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पेयजल की एक बड़ी समस्या है तराना विधानसभा में, एक सबको पीने का पानी मिले, एक बड़ा काम ये करना है, प्रयास किया कि बहुत सारी जगह नल जल के माध्यम से, लगभग 100 करोड़ की नल जल योजना है विधानसभा क्षेत्र में मेरे 2018 के बाद 23 तक, प्रयास किया, लेकिन
वो सुचारू रूप से कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, तो गांव गांव हमारी मातृशक्ति, जब छोटे छोटे बच्चियां बेटियां जल स्त्रोत पर जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, तो एक वो विषय पर काम करना है। किसान भाइयों के लिए माँ कालीसिंह जो लगभग आधे तराना विधानसभा की जीवनदायिनी है, वहाँ बड़े बांध बनाने की हमारी योजना है। पार्ट में जो कालीसिंह का सबसे बड़ा हमें बांध बनाना, लगभग 30 से 40 गाँव को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ बड़े तालाब निर्माण करवाना है, नर्मदा मैया कमलनाथ जी ने सेकंड फेज में यहाँ नर्मदा कालीसिंह जो योजना आई है, कुछ गांव कटे हैं उन गांवों को जोड़ना है, पहली प्राथमिकता रहेगी। विधानसभा 23 के जो चुनाव होगा उसके बाद जो गांव छूट गए उनको जोड़वाना है। शिक्षा जो हमारी बेटियां और हमारे यहाँ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अब सरकार ने धीरे धीरे रोजगार तो सब समाप्त कर दिए, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से यहाँ कैसे अलग अलग कोर्स चालू हो जो हमारे बच्चे हमारे बेटियां बेटे आत्मनिर्भर बने। हमारी बेटियों के लिए अलग से महाविद्यालय तराना माकड़ोन कायथा में, कड़ोदिया में, कनासिया में, इस क्षेत्र में पाट या ढाबला हरदू में 50 लगभग हमारे 3 महाविद्यालय हैं, 3-4, तो बेटियों के अलग लिए अलग से महाविद्यालय हो। स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें काम करना है। नगर तराना माकड़ोन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो विकास के लिए करना है, बहुत सारे मैंने बिंदु बना रखे हैं, सड़कों से जोड़ना है, खासकर रोजगार। यहाँ बड़े व्यापार व्यवसाय 15 महीने की सरकार मिली, हमने प्रयास किया, 2 साल कोरोना में चले गए, 3.5 साल तो आपने देखा कैसी लूटपाट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। जहाँ जितने भी शासकीय विभाग हैं, SDM कार्यालय हो, तहसील हो, जनपद हो, थाने हो, हर विभाग में इनके 2-2 लोग बैठे हुए, लूटपाट मचा रखी है, नकलें नहीं मिलती हमारे किसान भाइयों को। यहाँ के हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधु इतने इनसे त्रस्त आ चुके हैं कि ये 2-2 लाख 3-3 लाख रुपये थाना प्रभारी से मांगते हैं, SDM से पैसे मांगते हैं, जनपद CO से मांगते हैं। बड़ी शर्म की बात तो जब होती है, एक कार्यक्रम के 4-4 जगह से पैसे मांगते हैं। मैंने मेरे इस कार्यकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष जनता के आशीर्वाद से रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष छोटी चीज़ नहीं होती है, विधायक हूँ 2003 से 15 महीने की सरकार रही। आप हमारे एक भी विधानसभा क्षेत्र के परिवार जन से जाकर पूछ सकते हो, वो SDM कार्यालय हो, तहसील हो, पटवारी हो, या ग्राम सेवक हो, इंजीनियर हो, या नगर पंचायत के CM हो, महेश परमार ने किसी से 1 रुपया चंदा मांगा हो तो चंदे की दुकान खोल रखी साहब, लूट रखा है। अब वो पटवारी से पैसे मांगे तो किससे लेके, वो जनता से ही पैसे मांगेगा। अब नगर पंचायत में सबके माननीय सांसद जी हो या इनके पूर्व विधायक हो या इनके अन्य नेता हो, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पर आरोप तो बड़े हैं। आरोप आप कभी ये कैमरा बंद करके यहाँ के हमारे कर्मचारी बंधुओं से, शिक्षकों से पूछ लेना साहब, इन लोगों ने तो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये की जो खेल सामग्री प्राथमिक या माध्यमिक या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में ये इन लोगों ने सप्लाई की है, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। अच्छा, ये आप पूछ लीजिए कैमरा बंद करके, बिल्कुल खुलेआम चुनौती देता हूं मैं, अब बात कर लीजिए। महेश परमार ने ना कभी 1 रुपया थाना की जन विधायक निधि हो या जिला पंचायत के, जब 1 रुपया हमारे सरपंच बंधुओं से पूछ लो, हमारे सचिव भाइयों से पूछ लो, हमारे GR GRS साथियों से आप पूछ लो। 15 महीने की सरकार में सैकड़ों शिक्षक साथी या अलग अलग विभाग में काम कर रहे थे, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। महेश परमार ने कभी आपसे कभी कहा कि मुझे ये तखत लगवाना है, ये मुझे स्टेज बनवाना है, ये खाना रखा, एक पूछ लीजिए आप। जब जब कार्यक्रम होते हैं साहब, यहाँ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को दोष नहीं दे रहा हूँ, उन नेताओं को जरूर दोष दे रहा हूँ, पूरा लूटने में लगे हैं साहब। एक माकड़ोन थाने पे फोन लगाएगा, एक कायथा में लगाएगा, एक तराना में लगाएगा, एक SDM साहब को लगाएगा, एक जनपद CO को लगाएगा, एक CMO को लगाएगा, सब ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है। महेश परमार ने यहाँ दुकान नहीं खोली, महेश परमार ने ईमानदारी से सेवा की है, आप पूछ लीजिए जाकर। और मेरे यहाँ सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी बंधु हैं हमारे, उनसे पूछ लीजिए, महेश परमार ने कभी 2 रुपये आपसे चंदे के मांगे? त्रस्त हो गए, इनसे बेहाल हैं। ये स्थिति इन लोगों ने तराना विधानसभा या पूरे मध्य प्रदेश से उज्जैन जिले की कर दी है। आप तराना की जनता को सत्य खबर के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, मैं तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने सेवा की, और ये लोग मुझसे जब सवाल जवाब पूछते हैं, बहुत सारे हमारे बंधु हैं, तो निश्चित रूप से 2003 से लेकर 2023 तक 4 विधानसभा के कार्यकाल हुए, एक मैं भी उसमें विधायक हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी लगातार जीतते रहे, मैंने निरंतर प्रयास किया, प्रत्येक गाँव पर जाकर, बूथ में जाकर अपने बंधुओं के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, उनके साथ सुख में दुख में हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहा। जनता के आशीर्वाद से मैंने इनको एक जनप्रतिनिधि क्या होता है, ये गांव-गांव जाने लगे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ,
मेरे आशीर्वाददाताओं से, मेरे कार्यकर्ता साथियों से, किसान भाइयों से, माता बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, और खासकर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, उनका तो आशीर्वाद मुझे मिलता है कि उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के व्यापारी बंधु हों, मैंने कभी यहाँ के व्यापारी बंधु को परेशान नहीं किया, कभी झूठे प्रकरण दर्ज नहीं करवाए। तो मेरा तो यही निवेदन है, प्रार्थना है कि जब से मुझे आपने आशीर्वाद दिया, आंकलन करना 2003 से लेकर 8 का कार्यकाल और 18 से लेकर 23 का कार्यकाल, अगर ईमानदारी से आपके बीच में रहा, आपकी सेवा की और विकास की बात करते हैं, तो गाँव गाँव जाकर पूछ लें, ये माँ काली सिंध पे ब्रिज बना है, तराना मैंने भूमि पूजन किया है कमलनाथ सरकार में, मैंने लगभग 50 करोड़ की सड़कें बनवाई हैं, ये आप रिकॉर्ड बहुत जल्दी पत्रकार साथियों के साथ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपना जो लेखा झुका है ये मैं रखूंगा, बताऊंगा, हर परिस्थिति में मैं साथ रहा, मैं धन्यवाद बारंबार धन्यवाद देता हूँ तराना जनता जनार्दन को कि खूब आशीर्वाद मिला, अगर इनका आशीर्वाद नहीं, अगर मैंने ईमानदारी सेवा नहीं की तो जनपद हमारी है, जनपद अध्यक्ष जी हमारे हैं, नगर पालिका तराना में हमारी है, लगभग 70 से 80 सरपंच, सभी सरपंच साथी मेरे हैं, लेकिन 70 से 80 सरपंच साथी कांग्रेस विचारधारा के हैं, और सरपंच साथियों से मैंने कभी ये नहीं कहा आप 15-20% तय है, यहाँ तय कर रखा है विधायक निधि में पिछली 2013 से लेकर 18 तक कितने कैसे राशि मिली, अभी सांसद निधि कैसे मिल रही है, जब सब तय है। मेरा आखिरी में यही निवेदन है तराना विधानसभा के मेरे समस्त परिवारजनों से, किसान बंधुओं से, माता बहनों से, युवा साथियों से और बच्चों से, मेरी बहनों से, कि मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा की है, आप सबसे यही प्रार्थना है कि आगे भी मैं आप सबकी सेवा कर सकूं, लेखा जोखा 3 से लेकर 8 का और इस आपके भाई का, आपके परिवार के सदस्य का 18 से लेकर 23 का आप देख लीजिए, सभी यहाँ के कर्मचारी अधिकारी साथी सभी लोग जानते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है, विनती है कि मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आपकी सेवा की, आगे भी करता रहूंगा, आप सबका आशीर्वाद मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय श्री महाकाल, भारत माता की जय, जय देवनारायण भगवान, जय तेजाजी महाराज, क्योंकि पहली बार विधानसभा में हमारा आराध्य, जो हमारे लोक देवता हैं, जिनके कारण हमारा जीवन चलता है, जो हमारी जिनके मैंने विधानसभा में जयकारा लगाया है, तो निश्चित रूप से विधानसभा में और ईमानदारी से सेवा कार्य करेंगे, किया है, निरंतर करते रहेंगे, और ईश्वर की कृपा है कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और फिर मध्य प्रदेश में किसान भाइयों की ऋण माफी होगी, माता बहनों को 1500-1500 रुपये उनकी नारी शक्ति के सम्मान उनके खाते में आएंगे, 500 रुपये में टंकियाँ मिलेगी, अभी किसान 40-40% किसान भाइयों के प्याज पे टैक्स लगा दिया गया, जब किसान भाई का टमाटर जब 100 रुपये किलो जाता है तो इनको तकलीफ होती है, जब 40 का डीजल 100 रुपये होता है तो इनको तकलीफ नहीं होती, पेट्रोल की कीमतें 110 होती है इनको तकलीफ नहीं होती, 1 रुपये की नमक की थैली 25 रुपये की होगी इनको तकलीफ नहीं होती, 400 रुपये की खाद की थैली हमारे किसान भाइयों की वो 1500-1600 रुपये की हो गई जब इनको तकलीफ नहीं होती है, तो आज हमारे किसान भाई का गेहूँ भी 3000 रुपये होना चाहिए, सोयाबीन 8000 रुपये होना चाहिए, निश्चित रूप से 15 महीने और 15 साल का हिसाब जनता इनसे मांगेगी, 18.5 साल सत्ता में है, आज गैस की टंकी का मूल्य 350-400 रुपये था, आज 1200 रुपये की मिल रही, कभी टीवी पे मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं पत्रकार साथियों को सम्मान करता हूँ, कभी हमारे किसान भाइयों की खाद की डिबेट इन लोगों ने की, कभी किसान भाइयों को 2-2 बोरी के लिए लाइन में लगना पड़ा भाई साहब तराना विधानसभा में, डंडे खाने पड़े, हमारे बड़ा दर्द होता है, आंखों में खून के आंसू आते हैं, पैसे देने के बाद भी किसान भाइयों को खाद नहीं मिलता है, जितने भी कृषि उपकरण 3 लाख का ट्रैक्टर आता था 10 लाख रुपये का पहुंच चुका है, ये स्थिति है, आज सीमेंट सरिया रेती गिट्टी खाद्य जो तेल के डब्बे उनके क्या भाव उनका आप देखिए क्या चीज़ है, जो चीज़ 2 रुपये की थी वो 100 रुपये की हो गई, और हमारे किसान भाई की स्थिति वहीं की वहीं है, आय दुगनी करने की बात करते हैं शिवराज सिंह जी, अभी कभी किसानों की महापंचायत बुला और वो भी तराना मां के किसानों भाई से अपने पार्टी के साथियों के साथ मिलकर किसान महापंचायत करते हैं, कभी तराना के किसान भाइयों के साथ मिलकर कभी रूपाखेड़ी चौपाटी भी कभी कायथा में कभी तराना में कभी माकड़ों में कभी ढावला अर्दू पाट में या कभी कनासिया में या कभी नैनावद में किसान चौपाल कीजिए शिवराज जी, तो किसान की पीड़ा आपके सामने आएगी, कभी युवाओं की रोजगार की चौपाल कभी तराना में लगाइए आप, कभी कायथा कनासिया या बरंडवा में लगाइए, गोलवा में लगाइए, कड़ौदिया में लगाइए, बोल्डिया में लगाइए, हमारे यहाँ के हजारों युवा साथी बेरोजगार है साहब, कोई सुनने वाला नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ यही स्थिति है। शुक्रिया महेश जी, आपने हमें इतना सारा वक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे बुलाया, मुझे तराना के लोगों से एक बात का आभार व्यक्त करता हूँ, एक सवाल मैं तराना के लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ इसमें, कि जिस प्रकार से दावे महेश परमार कर रहे हैं उनके दावों में कितना दम है, और आपको क्या लगता है आपकी वार तराना में होने वाला क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के खास इंटरव्यूज़ के लिए आप लगातार सत्य खबर इंडिया देखते रहिए, और अगर आपने हमारे पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, शुक्रिया आप सभी का। सत्य सटीक।
बार।